अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवाद यूनस, और आज जो क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ वो है दो टूल्स की, जिनमें से फर्स्ट टूल जो हमारे पास आएगा वो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आएगा, और सेकेंड है हीलिंग ब्रश टूल। बेस्ट टूल की तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, बाकी ये दो टूल्स सिखा के तो फिर नेक्स्ट ऊपर वाले टूल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्लास को डिटेल में सीखें, ये सेम टू सेम एज टूल की तरह ही है, लेकिन जो है ना ज़्यादा डिटेल में काम करने के लिए और मज़ेदार काम करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। अपने ट्यूटोरियल की तरफ जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलते रहे। चले चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैं ये टूल ले लेता हूँ, स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल जब आप जाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है, आपने साइज़ क्या रखना है, हार्डनेस क्या रखनी है और स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। ओके, इस तरह बाकी टूल्स में भी था सब कुछ, और इसमें नॉर्मल वगैरह सब कुछ ऑप्शंस आ रही होती हैं कि आप किस तरह चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ वो नॉर्मल पे यूज़ करता हूँ, और नॉर्मल ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो मैं आपको नॉर्मल पे सिखाऊंगा नॉर्मल में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉक्सिमिटी मैच पे मैं आपको सिखाता हूँ, और इसको अनक्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल जे कर देता हूँ, जिससे मेरे पास कॉपी आ जाएगी। और ओरिजिनल में कभी नहीं आपने काम करना जैसे मैंने आपको सिखाया था। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, इसमें क्या सीन है, इसको अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो लेफ़्ट ब्रैकेट से छोटा कर सकता हूँ, राइट ब्रैकेट से बड़ा कर सकता हूँ, डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, इधर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मैंने इस चीज़ पे क्लिक करना है तो ये चीज़ रिमूव होती रहेगी। ये जो है ना अप्रॉक्सीमेटली मैच क्या होगा कि ये साथ वाले के हिसाब से मैच खुद ब खुद बना के इसको रिमूव कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रिमूव हो रहा है, खुद बखुद मैच बना रहा है। जस्ट आपने क्लिक करना है और छोड़ देना है, क्लिक करना है और छोड़ देना है, तो ये खुद बखुद आसपास के हिसाब से मैच बनाएगा और इसको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट कर देगा। ओके, ये पिंपल्स थे इसमें, इसके फेस में ये थोड़े पिंपल्स वाला लिया था लास्ट टाइम, मैंने पैच में ज़्यादा पिंपल्स वाला लिया था। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, एक टूल नहीं हज़ारों टूल एक तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो आपकी मर्जी है कि किस तरह आप चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ और जो है ना सॉर्ट आउट कर रहा हूँ चीज़ों को। ये तो मुझे लग रहा है कोई ख़राब हो रहा है, तो उसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इस्मॉल कर लेता हूँ और जस्ट क्लिक कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके फेस पे मैंने बहुत ज़बरदस्त ये एडिटिंग कर दी। इसको थोड़ा सा जूम कर बड़ा कर लेता हूँ और ये फिर दोबारा क्लिक करके, क्योंकि नीचे डिफरेंट कलर है वो डिफरेंट कलर तब भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आसपास पहले हिसाब से फ़ौरन जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये चीज़ मैंने बना ली और ओरिजिनल ये चीज़ थी। तो नेक्स्ट जो टूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्रिएट टेक्सचर का। क्रिएट टेक्सचर किस लिए यूज़ होता है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल जे करके इसकी पहले एक कॉपी ले लेता हूँ ताकि हमारे पास बैकअप पड़ा हो। तो अब जस्ट आपने इस तरह मूवमेंट करना है क्रिएट टेक्सचर करके, क्रिएट टेक्सचर जो है इसकी झुर्रियाँ वगैरह ख़त्म कर देगा इसके फेस से। तो ये आप देखें कि टेक्सचर क्रिएट कर रहा है इसके फेस पे, तो इस वजह से जो है ना इसको क्रिएट टेक्सचर के नाम से इस टूल को जाना जाता है। ये काम आप डिफरेंट प्लगइन्स आते हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है फोटोशॉप को बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये आप देख सकते हैं कि एक बूढ़े से बाबे को हम लोग थोड़ा सा जवान बना रहे हैं, थोड़ा सा क्या ज़्यादा जवान बना रहे हैं फोटोशॉप के थ्रू। जस्ट आपने इस तरह मूवमेंट करनी है, ये चीज़ ख़त्म करें ताकि बूढ़ा ना लगे। जस्ट मैं लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और जो है इसको छोड़ देता हूँ, तो ये खुद बखुद टेक्सचर क्रिएट कर रहा है उसके फेस पे अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ओके जी,
ये आप देख सकते हैं क्रिएट टेक्सचर का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। इसको अगर हम हाइड करें तो ये आप देख सकते हैं इसको जो मान इसने बना दिया। तो मीन्स के चीज़ों को डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है, जबकि अगर आप जो है नेक्स्ट जो कंटेंट अवेयर है इसको आप क्या करेंगे कि आप जो है ना मैं इसको हाइड कर लेता हूँ और इस पे कंट्रोल जे एक और कर लेता हूँ ताकि कॉपी ले लूँ। तो अब क्या करना है, मैं सेलेक्ट करता हूँ कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर का जैसे कि मैंने आपको लास्ट टूल में पेस्ट टूल में समझाया था, कंटेंट अवेयर का सेम इसी तरह ही है, ये बैकग्राउंड के हिसाब से देख के उसको वो करता है। तो ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के हिसाब से वो देख के इसको कर रहा है, लेकिन इसमें वो चीज़ मज़ा नहीं आएगी इस फेस पे। ये दूसरे फेसेस के लिए यूज़ होता है, जिस तरह यंग फेसेस जो मैंने आपको फर्स्ट वाले में आपको बताया। ओके, कंट्रोल आर्ट जी करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है वो है सैम्पल ऑल लेयर्स टूल, जो कि स्पॉट हीलिंग टूल में ही आता है। वो सैम्पल लेगा नीचे वाले के हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं इसको मैं मूवमेंट कर रहा हूँ और ये सैम्पल खुद ब खुद ले रहा है। ये भी क्लैरिटी करेगा एज टेक्सचर की तरह, क्रिएट टेक्सचर की तरह, लेकिन ये जो टूल है ऑल लेयर्स टूल, ये जो है ना डिफरेंट, ये वेडिंग्स की पिक्चर्स में यूज़ होता है ज़्यादातर, जिधर स्टेज पे आपको करना पड़ता है, ऑल सैम्पलिंग लेनी पड़ती है लेयर्स की, उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये था स्पॉट हीलिंग टूल। नेक्स्ट जो टूल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है हील ब्रश टूल। हील ब्रश टूल का क्या मकसद है वो अभी मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट इमेज पे, फिर दोबारा हम चले जाते हैं। हील ब्रश टूल एग्जैक्टली जो काम करता है स्टैम्प टूल की तरह काम करता है। आप तो न्यू बिगनर्स हैं, वो स्टैम्प टूल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हील ब्रश टूल जो यूज़ करेगा, और इसको आपने सिंपल पे रखना है, उसको अगर आप जूम करना चाहें तो राइट क्लिक से जूम कर सकते हैं, राइट एरो से, और आल्ट प्रेस करके आपने जगह सेलेक्ट करनी है कि किस हिसाब से आपने उसकी हीलिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से मैं इसकी हीलिंग कर रहा हूँ। जो जगह आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से वो फेस का कलर कर ही जाएगा। ओके, ये आप देख सकते हैं। मीन्स के डिफरेंट तरीक़ों से, मीन्स के डिफरेंट टूल्स सिंपल तरीक़ों से हर तरीके से यूज़ हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका फेस मैंने क्लियर कर रहा हूँ और ये मज़े से क्लियर हो रहा है इसका फेस। तो ये देख सकते हैं आप, इसका फेस मैंने क्लियर कर दिया है। ओके, ये थे दो टूल्स जो मैंने आपको समझाए, एक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना जो भी काम करते हैं, जो भी आप एडिटिंग करते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो मेरे ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें, जो कि मैं डेली ट्यूटोरियल दे रहा हूँ उस हिसाब से। मेरे ग्रुप का नाम है आर्टिस्टिक मेंटोर, जस्ट आप सर्च करेंगे फेसबुक पर, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप उधर से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप भी नहीं है तब भी आप जो है ग्रुप में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको फ़ोटोशॉप का लिंक दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।